देश की जनता ने प्रचंड बहुमत देकर लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर मोदी के शपथ ग्रहण का रास्ता साफ कर दिया है। बस इंतजार है शपथ ग्रहण समारोह की तारीख के औपचारिक ऐलान का। माना जा रहा है कि 30 मई को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की दोबारा शपथ लेंगे। इसी के साथ ही नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में कौन कौन शामिल होगा, इस पर चर्चा तेज हो गई है। सबसे बड़े कयास वित्त मंत्री पद को लेकर लगाए जा रहे हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली की तबीयत खराब है। पिछले एक साल से वित्त मंत्री की तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे में इस बार अरुण जेटली को वित्त मंत्री पद मिलने की उम्मीद कम ही नजर आ रही है। रॉयटर्स की खबरों के मुताबिक अरुण जेटली खुद भी वित्त मंत्री का पद संभालने से इनकार कर सकते हैं। हालांकि कैबिनेट में अरुण जेटली शामिल रहेंगे, लेकिन कोई दूसरा हल्का मंत्रालय अरुण जेटली को मिल सकता है जहां काम का बोझ कम हो। बीजेपी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद अरुण जेटली को तीसरा बड़ा नेता माना जाता है। अरुण जेटली मोदी सरकार के लिए कई बार संकट मोचन की भूमिका निभा चुके हैं। विवादित मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखने के लिए हर बार अरुण जेटली ही सामने आते हैं। तबीयत खराब होने की वजह से कल भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ अरुण जेटली नजर नहीं आए। हालांकि अरुण जेटली ने सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी और बीजेपी को जीत की बधाई दी। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगला वित्त मंत्री कौन होगा? क्या पीयूष गोयल इस बार वित्त मंत्रालय की कमान संभालेंगे या कोई दूसरा मोदी का करीबी नेता वित्त मंत्री बनेगा? इस वक्त अगला वित्त मंत्री कौन होगा, इस पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। खबरों की माने तो इस बार नरेंद्र मोदी अपने खासम खास अमित शाह को भी वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने में अमित शाह की सबसे बड़ी भूमिका है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए अर्थव्यवस्था को सही रफ्तार मिलना जरूरी है। बेरोजगारी और गरीबी को मिटाने के लिए इकोनॉमी को मजबूत करना जरूरी है। नोटबंदी और GST के असर को इकोनॉमी से खत्म करना जरूरी है। आर्थिक मोर्चे पर खुद को मजबूत करना मोदी सरकार का इस बार सबसे बड़ा एजेंडा है। इसी वजह से नरेंद्र मोदी अपने सबसे करीबी अमित शाह को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दे सकते हैं। वित्त मंत्री के दावेदारों में पीयूष गोयल का नाम भी शामिल है। पीयूष गोयल ने इस साल अंतरिम बजट पेश किया था, जिसकी खूब वाहवाही हुई थी। पीयूष गोयल पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इसलिए पीयूष गोयल को आर्थिक नीतियों की अच्छी खासी समझ है। ऐसे में पीयूष गोयल की दावेदारी को भी नकारा नहीं जा सकता। अरुण जेटली के बीमार पड़ने पर पीयूष गोयल ने ही 3 बार वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली थी। अब अगला वित्त मंत्री कौन होगा, पीयूष गोयल या अमित शाह, ये तो 30 मई के बाद ही पता चल पाएगा।